मेरा नाम है दीप्तन, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तन सुशील को। अभी जो आपके सामने पेज है, ये पेज अभी अभी हाल ही में ब्रांड कोलैप्स से मोनेटाइज हुआ है, मगर इस पेज के ओनर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रांड कोलैप्स से मोनेटाइज होने के बाद हमको करना क्या है। अभी इंटरफेस पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है, तो मेरे पुराने वीडियो से इनको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सारे क्रिएटर के लिए एक नया वीडियो ही बना देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज का जो फॉलोअर है अभी 35K हो गया है, तो ये अच्छा खासा फॉलोअर भी बन रहा है। तो ब्रांड कोलैप्स से ये पेज मोनेटाइज है, इस पेज का ओनर ने ही बताया है। तो अब सिर्फ मुझे आप लोगों को दिखाना है कि ब्रांड कोलैबोरेशन हो जाने के बाद आपको क्या क्या स्टेप है जो फुलफिल करना है। तो मैं पब्लिशिंग टूल पे क्लिक करके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्रिएटर स्टूडियो पे ऑलरेडी मैं ओपन कर लिया, तो इसीलिए स्टेप को स्किप कर रहा हूं, तो डायरेक्ट क्रिएटर स्टूडियो पे चला आया। यहाँ पे आने के बाद ही असली खेल शुरू होगा। तो सबसे पहले इस पेज का ओनर का ये क्वेश्चन था कि मैंने ब्रांड कोलैप्स से तो मोनेटाइज किया, मगर यहाँ पे अभी नए इंटरफेस पे मुझे ईमेल आईडी वगैरह ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए डालने के लिए या पोर्टफोलियो वगैरह डालने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं मिला जब हमने ब्रांड कोलैप्स से मोनेटाइज किया। तो सर आप पहले चेक कर लो ये पेज मोनेटाइज हुआ कि नहीं, तो इसीलिए मैं क्लिक करूंगा मोनेटाइजेशन पे और आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये पेज ब्रांड कोलैप्स से 100% मोनेटाइज हो गया है। इसका मेन प्रूफ है ब्रांड कोलैप मैनेजर के नीचे मैट्रिक्स लिखा हुआ तभी आता है जब पेज ब्रांड कोलैप मैनेजर टूल से मोनेटाइज हो जाता है 100%। तो ये पेज भी मोनेटाइज हो चुका है, मगर ये बहुत सारे जनों को इसलिए समझ में नहीं आता कि इन्हें लगता है कि हमें फेसबुक के तरफ से ऑफिशियल मेल आएगा जहां पे बताया जाएगा कि हमारा पेज मोनेटाइज हुआ है। वो मैंडेटरी नहीं है, काफी टाइम ये नहीं आता है, और आजकल COVID-19 के वजह से उन लोगों का ऑफिशियल टीम वर्क नहीं कर रहा है, जिसके वजह से मेल जो है नहीं आते हैं। मगर आप लोग सीधा मोनेटाइजेशन पे आ जाओ और फिर ब्रांड कोलैप मैनेजर टूल के नीचे मैट्रिक्स लिखा हुआ आया कि नहीं आया वो देख लो। मगर अभी नया जो इंटरफेस का चेंजेस हुआ है, जिसके वजह से आप ईमेल आईडी वगैरह नाम वगैरह फिल नहीं कर पा रहे हो ब्रांड कोलैप को मोनेटाइज करते समय, वही स्टेप आज बहुत वाइटल है आप लोगों के लिए सीखना, तो वो मैं पूरा प्रैक्टिकली अभी वीडियो पे दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप जैसी ब्रांड कोलैप से मोनेटाइज करोगे और ऐसी मोनेटाइजेशन पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन बीस, यहाँ पे व्यू पेज इलिजिबिलिटी करके एक ऑप्शन आ रहा है, किसी किसी को ये आएगा स्टेटस पे। अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ब्रांड कोलैप मैनेजर के नीचे जो यहाँ पे व्यू योर पोर्टफोलियो ये भी क्लिक कर सकते हो। आप दोनों ही ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा है तो इस पे क्लिक करो, अगर आपको ऊपर जो मैंने दिखाया ये वाला ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा है तो इस पे क्लिक करो। तो फिलहाल मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि करना क्या है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नेम के नीचे अप्रूव्ड, मतलब ब्रांड कोलैप अप्रूव हो चुका है, मोनेटाइज हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है व्यू पोर्टफोलियो, मतलब आप जाके पोर्टफोलियो को देखो और आपका टूल का सेटअप पूरा कर लो, तो आपको भी यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक करूंगा पेज जो है रिडायरेक्ट होके एक नया पेज ओपन होगा और इस पेज के अंदर ही आज का ब्रांड कोलैप के बाद आपको जो जो सेटअप करना है अभी इंटरफेस चेंज होने के बाद वो पूरा डिटेल में समझा दूंगा, तो अच्छे से बारीकी से समझ लेना इन सारे चीजों को। तो मैं रिडायरेक्ट होके इस पेज पे आ गया, मैंने क्या किया था डायरेक्ट इस पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, कुछ इस तरीके का ही आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो पोर्टफोलियो जो है वो सिलेक्टेड है, तो आपको भी ये पोर्टफोलियो के अंदर ही सब कुछ सेट करना है, तो ये सिलेक्ट रहेगा और बाय डिफॉल्ट ये जो है ये ऐसे ही ब्लू कलर का दिखने के लिए मिलेगा, ये चेक्ड है। अगर अनचेक्ड होता तो ऐसा दिखने के लिए मिलता, अगर वो विजिबल नहीं है तो आपको क्लिक करके इसको ऐसे कर देना है, मगर बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रहेगा, तो इसको टच करने की उतना जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे वाइटल पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है पोर्टफोलियो इंट्रो फॉर फेसबुक, तो अगर आपने इसको अनचेक नहीं करोगे तो आप कस्टम इंट्रो लिख नहीं सकते हो, इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते हो। अगर आप इसको अनचेक करके नहीं ऑन करोगे तो यहाँ पे आप लिख नहीं सकते हो, अगर ये बंद रहेगा तो यहाँ पे जो इंट्रो दिखने के लिए मिलेगा वो आपके पेज के जो पेज सेटिंग पे आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो ही बाय डिफॉल्ट ले लेगा, और हो सकता है डिस्क्रिप्शन पे जो है वो आप पोर्टफोलियो पे शो नहीं करना चाहो, पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा कस्टमाइज करके ब्रांड के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव लिखना चाहते हो, तो उस केस पे आपको इस पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो इस पेज के केस पे मैंने खुद लिख लिया है और थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक था उसको ठीक कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पूरा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक था अभी भी, ये भी मैंने ठीक कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका पेज का बारे में जो भी लिखना चाहते हो, और ब्रांड को आप जो भी देना चाहते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बिजनेस इंक्वायरी मेल भी दे दिया है, तो आपको भी ऐसे ही बिजनेस इंक्वायरी मेल भी ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे सेव कर दो। तो मैंने सेव कर दिया, अभी यहाँ पे कस्टम इंट्रोडक्शन ले लिया है। तो आपको भी ऐसा एक कस्टम इंट्रोडक्शन लिख के रखना है। ये जो है ये ब्रांड जब भी आपके पेज के कोलाबोरेशन के लिए चेक करेगा तो इनको ये सब देखने के लिए मिलेगा। अब बात आता है, आपको एक पीडीएफ फाइल मतलब पोर्टफोलियो अपलोड करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये पोर्टफोलियो बनाने में आप लोगों को काफी दिक्कत होता है, तो मैंने खुद एक टेम्पलेट बना के रखा है, और वो टेम्पलेट है ये वाला, आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो रेडी है, आप देख सकते हो, और इस पोर्टफोलियो को आप यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए इस टेम्पलेट को तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप कांटेक्ट कर लेना, शील डॉट दीप्तनु के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पेज का नाम को चेंज करना होगा इस पीडीएफ को लेके, और यहाँ पे आपका नाम को खुद चेंज करना पड़ेगा, ईयर आपको चेंज करना पड़ेगा आपके हिसाब से जब से आपका पेज बना है, और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और यहाँ पे आपको दिक्कत जो आता है सेट करने में वो है ये वाला पार्ट कि सर इसको कैसे एडिट करके डालूं। तो ये वाला पार्ट जो है ये ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो मैं अभी बताऊंगा इसको सिर्फ फॉलो कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियंस ऑन फेसबुक वाला एक इन्फो रहता है, आपको सिर्फ इसको टिक मार्क को चेक करके रखना है, अगर अनचेक रहेगा तो आपको ऐसे चेक कर देना है, ये सारे ऑप्शन को चेक रखना है। एज जेंडर, तो आपको वो वाला जो मैं पोर्टफोलियो पे ऐड करता हूँ ये वाला पार्ट ऐड ना करने से भी काम चल जाएगा। तो ये आपको कर लेना है सेटअप, और यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टनरशिप जो है ऑटोमेटिकली ये वाला चेक रहेगा, तो आपको भी ऐसे चेक रखना है, अगर अनचेक रहता भी है तो आपको चेक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों फाइनली आपको यहाँ पे अपलोड करना है ये वाला फाइल को जो मैं दे दूंगा आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, अगर आपने कॉन्टेक्ट किया तो उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है क्लिक करके, उसके बाद फिर से सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सब काम होने के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बाकी रह जाता है ब्रांड कोलाबोरेशन के सेटअप में, वो है आपको सेटिंग पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालने की ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 100% ईमेल एड्रेस डालना ही डालना है। यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस डालोगे उसी ईमेल एड्रेस पे ब्रांड जो है आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी एक ईमेल एड्रेस डाल दिया, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये सेटिंग अभी पूरा चेंज हो चुका है, पहले ये ईमेल एड्रेस हम लोग जैसे ब्रांड कोलाबोरेशन के लिए अपील करते थे तभी हम सेट कर सकते थे, मगर अभी यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है आप कहो या इंटरफेस कहो वो थोड़ा सा चेंज होने के वजह से आपको दिक्कत हो रहा है। चीजें वही है, अंदाज सिर्फ नया है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसको चेक करके रखना, इसको भी चेक करके रखना, और टैगिंग अप्रूवल जो है वो अभी मत दे के रखना, ओपन करके मत रखना, तो कोई भी एरा गैरा आपको टैग करेगा। जब ब्रांड से कोलाबोरेशन हो तभी इसको ऑन करना, नहीं तो ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ ईमेल एड्रेस आपको डालना है, और उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों कोई भी ब्रांड अगर आपको कॉन्टेक्ट करेगा तो आपको ईमेल पे आएगा, मगर ईमेल को 10 बार सोच के ही ओपन करना, क्योंकि बहुत सारे फेक ईमेल आते हैं पेज को हैक करने की चक्कर में, और वो सब ईमेल को आपको समझना है। उसके ऊपर वीडियो भी है चैनल पे, तो कोई भी लिंक को ऐसी अंधे के जैसा ओपन मत कर लेना, पहले समझना, अगर डाउट रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना, मैं चेक करूंगा फिर बताऊंगा आपको पार्टनरशिप जो है वो ओरिजिनल आया है या डुप्लीकेट आया है या फेक आया है। तो ये जो सेटअप आज दिखाया ये नया इंटरफेस का सेटअप है, आपको भी ऐसे ही ब्रांड कोलाबोरेशन करने के बाद मतलब ब्रांड कोलाब टूल से मोनेटाइजेशन करने के बाद ऐसे ही आपको सेटअप करना है। बहुत आसान है, समझ गए हो आप लोग। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी का नाम कर दोस्तों, बाय।